रणवीर सिंह पसंद है मुझे यार। कहां से कहां आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज होने वाला है स्पेशल वीडियो। हम रिएक्ट करने वाले हैं हमारे टीवी इंटरव्यू पे जो हुआ था लगभग आज से 4-5 साल पहले। हाँ, 2019 में जब हमने नया नया यूट्यूब चैनल बनाया था, तब मैं गाने बनाता था, वो 800 रुपए की माइक पर रिकॉर्ड करके बनाता था गाने। तो तब थोड़ा सा नया था कश्मीर के लिए, कश्मीर में ज्यादा यूट्यूब ज्यादा था नहीं उतना, 2-3 चैनल ही थे, 2-4 चैनल ही, तो नया नया था। तो हमें इंटरव्यू लेने आ गए घर, हम बड़े खुश हो गए। न्यूज़ 18 उर्दू तो वो वीडियो हमारे पास है, मैंने परसों देखी वो तो। लेकिन तुमने कब देखी लास्ट टाइम कब देखी है? मतलब यार याद ही नहीं है, 1.5 साल पहले मैंने परसों देखी तो बस अपने 4 सेकंड है मेरे पास याद है। तेरा भी चार, तेरा बहुत है, 30 सेकंड तक तेरा इंटरव्यू, 30-35, 1 मिनट तक उन्हें फिर कट किया है, लेकिन तूने बोला बहुत था। हाँ बोला बहुत था उन लोगों ने, कट मैंने बोला वो याद है, वो इसके कम ही सेकंड है। तो मैंने लेकिन परसों देखा तो मैंने सोचा इस पे रिएक्शन देना बनता है, तो शुरू करते हैं। यार मेरे को यार हंसी आ रही है ये वीडियोस देख के, यार पूरा मतलब फ्लैशबैक है, बहुत सारे वीडियोस रुक जाओ, लेकिन दिखाएंगे एक ही, दिखाएंगे अभी एक ही। तो शायद बता रहे हैं आप, बिल्कुल प्ले किया जाए। यस आ रही है हमारी नई पिक्चर, देखिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में शाम 8 बजे। नहीं गलत, मेरे साथ मिस हो गया। हाँ, ये बोल रहे हैं पिक्चर कुछ। हाँ, तो हमारा इंटरव्यू आ रहा है, मैं बता दूंगा टाइम, आगे देखो व्लॉग में देख लो। नहीं नहीं, न्यूज़ 18 पे जो पहले एटीवी हुआ करता था, न्यूज़ 18 उर्दू प्रमोशन नहीं है। अबे आई हूं। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज मुर्तजा एंड यू आर वाचिंग मुर्तजा द एमिनर। चिकना चिकना, तो आज बहुत ही खुश हूं। तो है इसकी आवाज कैसी है यार, मैं तो उस पर ठीक ही हूँ। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग मी, वन डे आई विल रिप्रेजेंट कश्मीर एंड everyone will be proud of it. Thank you so much. Thank you sir. Andrej ji ja raha hu main. Intro. Intro dekho hamara bhai. Nadir. Corporate na hai. Ab start. Naujawan mukhtalif qism ki mausiqi ki taraf raghib ho rahe hain. Tehran ke naujawan Murtaza Rafiq bhi rap mausiqi mein apna loha banwa rahe hain. Loha. Sayed Manzoor ki ye report. Gaana dekho. ओए एक सेकंड, ये गाना शूट किया था शाहिद ने, हमने अंदर जब मेरे कमरे में वॉलपेपर वगैरह नहीं लगा था ये ना, तब ना वार्डरोब बना था ना वॉलपेपर लगा था, तो बेसिक वो पीओपी करके था, क्या बोलते उसको, वॉल पुटी जो भी होती है, ऐसे ही फोन उठाते थे ऐसे कर दो बस। तो हमने क्या, हमने वो दो एलईडी के बल्क वो कलर जो जिसमें एक दोस्त से मांगे थे फिर वो टूट गई थी, वो इधर रहता है पास में रहता है वो बंदा एक, तो उससे हमने वो दो बल्ब लिए थे जिनमें वो लाइट आती है ना, कलरफुल लाइट्स आती है, तो वही लाइट्स इसमें चमक रही है देख रहे हैं आप। तो और हमने स्मोक किया था पूरी दीवार को, हमने स्मोक किया था, एमिनर लिखा था मैंने दीवार स्मोक से, वो जो स्मोक आता है ना पूरा वॉल खराब कर दिया, पूरा दीवार खराब कर दी थी पूरी। तो वो गाना है ये, शाहिद ने शूट किया था। सौ से दो लाख व्यूज कुछ खुद ही पता नहीं क्या लिख रहा था मैं, क्या बोल रहा था जो भी यार। रैप तेरे बस की ना तेरा गला। वादी कश्मीर में अगरचे सदियों से लोग सूफियाना मौसीकी के साथ दिलचस्पी रखते थे, ताहम वक्त बदलने के साथ साथ नौजवान अब मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी में हिस्सा ले रहे हैं। क्या बात है। नौदल तराल के रहने वाले 16 साल मुर्तजा रफीक भी बचपन से ही रैप मौसीकी में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कामयाबी की सीढ़ियाँ कौन सीढ़ियाँ, हमारे 500 सब्सक्राइबर थे। नहीं यार 500 ज्यादा थे, लगभग 1K थे। 1K तो वो कितना होता है उस समय, बहुत था।
नहीं छोटे कैनवास से काम है। सर बात करें अपने करियर की तो मैं 12 साल का था और जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाई अपनी तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कुछ करने का। ये जो मैंने परसों देखा ना ये लाइन, मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कुछ करने का, तो भाई क्यों क्यों क्या कर रहा है, मेरा मतलब ही नहीं है कुछ बोलने का। लाइन सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं 12 साल का था तब जब मैंने YouTube चैनल बनाई अपनी तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कुछ करने का, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कुछ करने का, तो क्या कर रहा है YouTube चैनल ऐसे ही बनाई थी मस्ती में, ऐसे ही पता नहीं क्या बोल रहा था मैं, बात करूं अपने करियर की पता नहीं क्या बना रखा था करियर मैंने, लेकिन ऐसे ही मैं देखता आ रहा था ये बंटा है पब्लिक, उनकी स्ट्रगल नॉर्मल पब्लिक है और कहां से कहां वो पहुंच गए, तो मैं सोचा फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। मुर्तजा गाने के साथ साथ एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं। मुर्तजा का कहना है कि अभी तक इन्हें कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। वो तो अभी तक नहीं मिला। असल में एक्टिंग का ही शौक था मेरा को, मेरे को जैसे रणवीर सिंह से इंस्पायर हुआ मैं। झूठ झूठा। और तब रणवीर सिंह पसंद था मुझे यार। और क्या रणवीर सिंह में उसको जानता नहीं था, आज पता है रणवीर सिंह को। और तब वो नया नया आया था ना। ओ यार सलमान खान ऑल टाइम भाई। सलमान खान ने बोला है वीडियो में, उधर इसने मुझे बोला है तू सलमान खान जैसा लग रहा है। बट हाँ मेक श्योर अच्छा काम जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। कश्मीर के सितारे के बारे में मुर्तजा ने कहा कि इस प्रोग्राम की मदद से कश्मीरी नौजवानों का हुनर दुनिया तक पहुंचे। ये मैंने कभी बोला ही नहीं। ये लाइन मैंने कभी बोली ही नहीं। इन्होंने खुद ही बोल दिया किसी शो के बारे में, मैंने मुझे पता नहीं है क्या था। मुर्तजा को देखकर इसी गांव के एक और बच्चे अब रैप मौसिकी में हिस्सा लेना शुरू किया है। कहूंगा कि लोगों की बातें मत सुनो करो जो लोगों की बातें मत सुनो करो। गैस भाई, गैस भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप अभी? यार जो भी है लेकिन मैसेज अच्छी है मेरी। मैसेज अच्छी है। लोगों की बातें मत सुनो करो। लोगों की बातें मत सुनो करो। फिर से ये कहूंगा कि लोगों की बातें मत सुनो करो जो आप मत सुना करो जो आपको अपना टैलेंट है वो दिखा दो। मैं तो गाइस आपने सुना होगा ये बोल रहा है कि दूसरे बंदे ने भी रैप में ट्राई किया रैप, तो बात यह है कि इस बंदे ने भी मेरे साथ एक गाना गाया था। एक नहीं तीन गाए ये ना, और तीनों मेरे पास है। मेरे पास भी है तीनों गाने, वो मेरे यूट्यूब पे है, हमने रिकॉर्ड किया था मेरी माइक पे तब तभी ना 4-5 साल पहले, तो फिर हमने शूट भी किया था इधर पास में बाहर ना वहाँ पे, और एक अंदर भी, एक अंदर कमरे में भी शूट किया था। तो वो गाने भी, अगर आप रिएक्शन चाहते हैं तो कमेंट करो। नहीं यार वो नहीं, वो कर दो यार, मैं दिखा दूंगा। आप बस कमेंट करो कि हमें चाहिए, अगर कमेंट पे अच्छे लाइक्स करो 20 के लाइक्स इस वीडियो पे, हम शाहिद भाई के गाने पे रिएक्ट करेंगे। शाहिद भाई खतरनाक रैपर था, आपको दिखा देंगे हम। जरूरत इस बात की है कि ऐसे बासलाहियत नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम कराया जाए ताकि ये अपने हुनर को मजीद निखार सके। न्यूज 18 उर्दू के लिए तराल से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। महीने का 10,000 ये छोटा कमा रेला है। हाँ कम है मालूम मुझे, जो देते ताने 3,000 की नौकरी पे सद। ओ भाई ओ लाइन क्या बोली है मैंने? अगर मैं बोल दूं ये लाइन किस पे थी तो मैंने लिखा है, पता क्या मैंने बोला क्या गाने में कि मैं महीने का 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन जो ताने देते हैं वो बस 3,000 ही कमा रहे हैं। लेकिन जो ताने देते हैं वो 3,000 भी नहीं कमाते, तब की बात है। लेकिन मैं कौन सा 10,000 भी कमाता था यार, नहीं ऐसी बोल दिया था मैं 10,000 कमाता हूँ। फेकू। न्यूज 18 उर्दू की जानिब से टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे की पहल की खूब सताइश की जा रही है। बिहाइंड द सीन्स नहीं, वाह क्या सीन है जब बाहर वो शूट हुआ था। देखो तब घर हमारा है ना बन रहा था, देखो बाहर से देखो घर। सलमान खान जैसे लग रहे हैं। ओए इसलिए लग रहे हैं। तो बस इट वॉज इनफ फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो, होप यू एंजॉयड वॉचिंग मी लाइव ऑन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम, वॉचिंग मी लाइव ऑन न्यूज 18 उर्दू अंग्रेजी। इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी टू वॉच मी, मतलब बीइंग ऑन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज काइंड ऑफ इमोशनल मोमेंट फॉर मी। बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव।
अंग्रेजी अंग्रेजी खत्म हो गई इसके बाद अंग्रेजी नहीं आती। ओह ब्रो लेजेंड। तो गाइस ये थी हमारी, ये था हमारा इंटरव्यू, हमारा पहला इंटरव्यू। हम टीवी पे आए थे 4-5 साल पहले, तब मतलब तब तो बड़े मतलब हम इतने खुश हुए थे ना जब हमारा शूट हुआ था, उसके लगभग 4-5 दिन बाद ही टीवी पे आया था, ब्रॉडकास्ट हुआ था। मैं लिटरली उन 4-5 दिन मतलब वेट कर रहा था कब मैं टीवी पे आऊंगा, मैं सबको बोल दिया। हम बाहर जा रहे थे बारबेक्यू खाने, मुझे पूरा याद है, और वापस आ रहे थे तो एक दुकान पे इसने बोला कि भाई हमारा इंटरव्यू आ गया, और वो शॉक हो गए, इतना चिल्लाया। हम कुछ खाने गए थे, हम कुछ खाने जा रहे थे बारबेक्यू भाई ना, तो मुझे कॉल आया कि आपका वीडियो आ गया है न्यूज पे, तो हम जल्दी जल्दी घर भागे और देखा कि हाँ ऐसे वैसे, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया उस टाइम। तो बट यार सच एन इमोशनल मोमेंट आई कैन से, कहाँ से कहाँ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कहता ना कि नेवर गिव अप, कोई पैदा कोई स्टार नहीं, हम अभी स्टार हूँ नहीं मैं अभी भी, लेकिन उससे तब से तो बेटर है। इसकी आवाज़ देखो अभी, इज अ ग्रोन अप मैन डूइंग ग्रेट थिंग्स, बट तब इसको बात करनी नहीं आती थी, बोलता सुनो करो सुनो करो, उर्दू पर सही से नहीं आती। तो इंसान यार स्टार्टिंग से ही बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे करके ग्रो होता है इंसान, तो वैसे हम भी हुए। तो यस दैट्स इट। अभी बहुत सारी वीडियोज यार, 50-100 वीडियोज मेरी पुरानी, जो हम वो मस्ती वगैरह करते थे तब, यूट्यूब नई नई चीज थी ना, बहुत हमने मस्ती करी है। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ सब पे रिएक्शन दे हम, यस बीच बीच में डालते रहेंगे ऐसे वीडियोस, कभी कभी डालेंगे तो नहीं डाल सकते, लेकिन कभी कभी डाला करेंगे। बट वाज फन टू रिएक्ट ना, मजा आया बहुत, मैंने तो परसों ही देखी थी, तुझे मजा आया ज्यादा यार, को पूरा याद आ रहा है हम क्या कर रहे थे जब वो गाड़ी ऑल्टो में आए थे, वो मारुति के ऑल्टो में आए थे, सुजुकी की वो छोटी है ना, एक होती है सुजुकी 800 वो इसी में आया था। हम बाहर निकले, आजा आजा वो ट्राइपॉड ही क्या देख लिया था हमने, ट्राइपॉड जब माइक वगैरह आज से रखी, मैं बड़ा खुश, मैं माँ को बोल रहा हूँ आजा देखो इंटरव्यू हो रहा है मेरा, सब देख रहे हैं, अच्छा क्या हो गया बोलो ना। वेट वेट कौन है, कौन है, कंटिन्यू कौन है, डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके कंटिन्यू। तो यस मैं क्या बोल रहा था यार, वो अल्टो में आए थे, माइक देखी थी आपने भाई, तो माइक देख के बड़ा एक्साइट हो गए थे। मैंने घर में बोला यार, घर वालों को लगा शायद पता नहीं हमारा बेटा स्टार बन गया कुछ, तो इट वाज यार बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे शाम को, बहुत सारी न्यूज़ उस समय देखते थे ना, बहुत सारे फैमिली वगैरह ने देखा था यार ये क्या हो गया, लेकिन उससे थोड़ा पुश भी मिला था, सपोर्ट भी मिला था, जब घर वालों ने देखा न्यूज़ पे आगे लौटा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। बाकी इसका यार बहुत था, लेकिन इसका कट कर दिया क्योंकि इसको बोलना नहीं आता था, इसके फिर 2-4 सेकंड ही डाले हैं टोटल। तो बस आई गेस बहुत बोला था यार, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, फॉर ऑल्सो रीजन गिव इट अ लाइक, एंड लोगों की बातें मत सुनो करो और दुआ करो मेरा जुकाम जल्दी ठीक हो जाए। और मेरा भी यार, मेरा ठीक हो गया यार, हो गया ठीक, कहाँ हो गया मेरा जुकाम, इसको भी लग गया। खैर इस वीडियो के एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया फॉर रीजन गिव इट अ लाइक, वी विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। हाय पागल, I would talk about his chair.